सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी परिता मैम आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको याद है आपने कौन से व्यंजन सीख लिए हैं? आप सब उनका अभ्यास करते हो? वेरी गुड। तो चलो आज हम फिर से एक बार उन व्यंजनों का अभ्यास करें जो आपने सीख लिए हैं। उसके बाद मैं आपको एक नया व्यंजन सिखाऊंगी, ठीक है? चलो शुरू करें। क से कलश, ख से खरगोश, ग से गाय, घ से घर, अं खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जलेबी, झ से झूला, य खाली, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, ण, ण से कोई शब्द नहीं बनता, पर उसका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में या आखिर में होता है, जैसे कि प्रणाम और चरण। उसके बाद आएगा त, त से ताला, थ से थाली, द से दिया, ध से धनिया, न से नींबू, प से पतंग, फ से फल, ब से बिल्ली, भ से भालू और म से मछली। तो बच्चों, व्यंजन म के बाद आता है य, व्यंजन य। तो आज हम व्यंजन य सीखेंगे, ठीक है? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? य से यात्री, वेरी गुड। य से यव, वेरी गुड। य से यान, य से यज्ञ, य से योग। चलो बच्चों, फिर से एक बार य से शुरू होने वाले शब्द मेरे साथ दोहराओ। ये है व्यंजन य। बोलो बच्चों मेरे साथ, य से यान। यान मतलब एरोप्लेन, जो हवा में चलता है। य से योग, लोग अपनी अच्छी सेहत के लिए योग के अलग अलग आसन करते हैं। रोज़ हमें भी योग करना चाहिए। य से यात्री, यात्री मीन्स पैसेंजर्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उन्हें हम यात्री कहते हैं। य से यज्ञ, यज्ञ जो बड़े बड़े मंदिरों में होता है, उसे बड़े बड़े योगी और पुजारी जी करते हैं। य से यव, ये एक अनाज है जिसे हम जौ भी कहते हैं। बच्चों, तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुननी सबको अच्छी लगती है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी है कहानी, ठीक है? एक बार एक यमुना नगर नाम के गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था यशोदा। क्या नाम था लड़की का? यशोदा। और यशोदा बहुत समझदार लड़की थी। वो बहुत अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें किया करती थी। उसने देखा कि उसके गांव के युवक युवती बहुत आलसी थे। तब यशोदा ने ये बात गांव के युवराज को जाके बताई। फिर एक दिन युवराज ने सभा बुलाई। सभा में युवराज ने चिंता जताई कि ऐसे ही सब लोग आलसी रहेंगे तो सबकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी। हमें गाँव वालों की सेहत को लेकर बहुत चिंता हो रही है, तो हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। फिर उनके जो राजयोगी थे उन्होंने सुझाव दिया कि हमें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। हम यज्ञ करेंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा।
पर यशोदा ने कहा, नहीं नहीं हमें योग करना चाहिए। योग करने से हमारी तंदुरुस्ती अच्छी होती है और हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। और हमेशा अगर हम योग करते रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। युवराज को यशोदा की बात बहुत पसंद आई। उस दिन युवराज ने सभी गांव वालों को बोला कि अब से रोज सुबह सारे गांव वाले योग करेंगे। और युवराज रोज अपने यान में बैठकर गांव वालों को योग करते हुए देखते थे। तो बच्चों, पसंद आई कहानी, है ना? तो हमें भी ऐसे ही हमेशा योग करने चाहिए जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे, ठीक है? और बताओ बच्चों, आपने इस कहानी में से व्यंजन य से शुरू होने वाले कौन से नए शब्द सीखे? चलो उन्हें हम दोहराए। य से यशोदा, य से यमुना नगर, य से युवराज, य से योगी, य से यज्ञ, य से यान और य से योग, है ना? तो कहानी भी सुनने में मज़ा आया और उसमें हमने व्यंजन य के शब्द भी सीखे। तो बच्चों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगी, चलो देखें। बच्चों, ये है आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको व्यंजन पहचान कर दिए गए चित्र में अपने मनपसंद रंग भरने हैं। ये वर्कशीट आप अपनी हिंदी की क्लास वर्कबुक के पेज नंबर 50 पे कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। अब मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।